उत्कल के नाम से जाने जाने वाली प्राचीन ओडिशा की संस्कृति और उत्कृष्ट कलाकृतियों के प्रतीक रूप में पिपली का चंदवा पूरी दुनिया में अलग स्थान रखता है। ओडिशा की इस प्राचीन हस्तकला ने राज्य का गौरव और महत्व बढ़ाया है। पूरी आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए शहर का एक विशेष आकर्षण है। यह हस्तकला 12वीं शताब्दी से मंदिर के शहर पूरी के जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ी हुई है। पहले यहाँ के शिल्पकार बड़े आकार की छतरियाँ, झंडे, एक ही जगह लगाए जाने वाले विशाल पंखे और चवर बनाते थे और उन्हें भगवान जगन्नाथ के लिए आपूर्ति करते थे। इसके अलावा यहाँ बनाए गए शामियाने उत्सव के अवसरों पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर भेजे जाते थे। शहर के शिल्पकार मछली के सिर, तोते, केले के पत्ते, गदा, तुलसी के पत्ते, मोर आदि के चित्रों के साथ शामियाने के पारंपरिक डिजाइनों को सुंदर आकार देते हैं। चांदुआ क्यों स्मरणातीत कालरु ठाकुर नीति सहित संपृक्त होस्तविक आकलन करने कष्टसाध्य तथापि महाप्रभु चांदुआ को छाड़ी नहांती एवं जिते बड़े जो नीतिकांति होंदुआ तले ही नीतिकांति होणु श्रीजगन्नाथ भाई चांदुआ महत्व लाभ कर। समय के साथ चंदुआ की डिजाइन और इसकी मांग में बदलाव आया है। चंदवा के कारीगरों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइनर पर्स, वॉल हैंगिंग, टेबल क्लॉथ, लैम्प शेड्स के लिए हैंगिंग फ्रेम्स आदि बनाने के लिए अपनी डिजाइनों को बदल दिया है। अब यह एक उद्योग बन गया है और हजारों परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत भी। राज्य सरकार ने कारीगरों की आमदनी बढ़ाने के लिए 1997 में एक कैनोपी सोसाइटी का गठन किया था ताकि विश्व बाजार में इसकी मौजूदगी को लोकप्रिय बनाया जा सके। कुल 30 शिल्पकार इस सोसाइटी के सदस्य हैं। हालांकि कुछ कारीगरों ने कहा है कि उनका व्यवसाय कम हो गया है क्योंकि पूरी भुवनेश्वर के बीच नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने के बाद कम पर्यटक पिपली का दौरा कर रहे हैं। पूर्व अपेक्षा ना बहुत कमी जाइए जेहेतु जब 2015 रु बाइपास चली गला तेणु एपटे ये भाया बाइपास जो डिवाइड रोडटा जा पिपली भितर को जोटा होती कि लोक जापार ना पिपली आउ कौन सरकार यही क्षेत्र में आम दृष्टि आक्षेप हम मुख्यतः बहु कारीगर मैंने देश विदेश जा एक्जिबिशन कर चांदुआर मान पिपलीर इतिहास ऐतिह्य को ए परंपरा को क्यों जगार पहुँचाई पारे यह केवल इतिहास ही कह। देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया तक पिपली के शामियानों ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन जब तक राज्य सरकार इसके सुधार के लिए आगे नहीं आती, इस बात की पूरी आशंका है कि ओडिशा के प्रतीक इस हस्तशिल्प उद्योग को भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।